हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन रहेगा जादूगर यह कौन। जादूगर सभी जानते हैं, तो आइए इस पाठ के रचयिता हैं श्री राज नारायण जी चौधरी। तो आइए हम जादूगर यह कौन पढ़ते हैं। काली खुली जटाओं वाला, काली खुली जटाओं वाला जादूगर है कौन। कहां कहां से नभ में आता, कहां कहां से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, तरह तरह के खेल दिखाता। पवन पंख पर उड़ने वाला, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर है कौन, जादूगर है कौन। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। दिन को रात बनाने वाला जादूगर है कौन, दिन को रात बनाने वाला जादूगर है कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। सबका चित्त लुभाने वाला, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर है कौन, जादूगर है कौन। जब जब इसके दिल में आता, जब जब इसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाता, जब जब इसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाता। धरती को सरसाने वाला, धरती को सरसाने वाला जादूगर है कौन, जादूगर है कौन। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओझल, ओझल ओझल होता है छिपा हुआ। चित मन, जादूगर यानी जादू का खेल दिखाने वाला, उसको कहते हैं जादूगर। नभ, नभ होता है आकाश आसमान। नवाता यानी झुकाता, नवाता मीन झुकाता। पवन पंख यानी पवन मीन हवा, पंख पंख यानी हवा रूपी पंख। सरसाने वाला, सरसाने वाला यानी मन को खुश करने वाला, मन को खुश करने वाला। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस कविता के रचयिता श्री राज नारायण जी चौधरी ने जादूगर के बारे में बात की है और ये पूछा है, ये बताया भी है इसमें कि ये जादूगर कौन है। काली खुली जटाओं वाला, यहां कवि कहते हैं कि ये जिसकी काली और खुली जटाएं, हमारे केश बाल, यानी इनकी जो ये काली खुली जटाओं वाला है, ये जादूगर कौन है। कहां कहां से नभ में आता, ये पता नहीं कहां कहां से चल के आकाश में आ जाता है और आकाश में आकर तरह तरह के खेल दिखाता है। पवन पंख पर उड़ने वाला, ये हवा के, हवा रूपी पंखों से उड़ने वाला जादूगर ये कौन है। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, ये ऐसे छू मंत्र पढ़ता है कि पल भर में ही सूरज को ढक लेता है, छुपा लेता है, ओझल कर देता है और दिन को रात बना देता है। यानी जब सूर्य की रोशनी सूरज को ढक लेगा तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी यहां पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी और तो दिन है वो रात के रूप में, रात की तरह लगने लग जाएगा। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि जैसे हाथी अपने सूंड को ऐसे नीचे झुकाता है, इसी तरह ये भी धरती पर ऐसे झुक जाता है यानी हाथी के सूंड की तरह। सबका चित्त लुभाने वाला, और ये सभी का मन प्रसन्न करने वाला, खुश करने वाला है। अब आपने देखा होगा जब
बादल बढ़ते हैं आकाश में और बारिश करते हैं तो सारे सारे लोग खुश हो जाते हैं, तो ये सबका मन, सबके मन को लुभाता है। जब जब इसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाता, यानी जब जब इसके मन में आता है तो अपने झोले से ये बूंदे टपकाता है, यानी बारिश करना शुरू कर देता है। ये जादूगर कौन है? झोले से बूंदे टपकाता धरती को सरसाने वाला, यानी धरती को खुश करने वाला ये जादूगर कौन है? तो प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसका अभ्यास कार्य करते हैं। इस कविता में ये हमारा अभ्यास कार्य इसी कविता के आधार पर है। पहला है, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? इस कविता में जादूगर किसको कहा गया है आपको अच्छी तरह कविता पढ़ के बताना है। किसको कहा गया है? बादलों को। यानी इस कविता में जादूगर बादलों को कहा गया है। जादूगर कैसा दिखाई देता है? अब आपने देखा है इस कविता में दिया हुआ है काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, तो यह हमें कैसा दिखाई देता है? काली खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जादूगर कौन कौन से कर्तव्य दिखाता है? अभी हमने पढ़ा है कि ये सूरज को ढक लेता है, अपने जोड़े से बूंदे टपकाने लग जाता है और हाथी के सूंड की तरह ये झुक जाता है, तो इस तरह के तरह तरह के ये कर्तव्य दिखाता है। अब ये आपको अगला प्रश्न है, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? इस कविता में बादल को कवि ने जादूगर कहा है, वो क्यों कहा है? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि जादूगर हमें तरह तरह के खेल दिखाता है और खेल को देखने वालों को खुश करता है, तो इसी तरह ये बादल भी तरह तरह के खेल दिखाकर और यहां पर धरती पर धरतीवासियों को, धरती को खुश करता है, इसलिए कवि ने यहां बादलों को जादूगर कहा है। धन्यवाद।